Hello my dear students, I welcome you all to Somnus Academy. Today in this lecture we are going to discuss about Coulomb's law of electric force. आज इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर ऑन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वी शुड रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़े थे व्हाट इज अ चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज. चार्ज क्या है ये भी हम पढ़े थे. चार्ज इज नथिंग बट सिंपली इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ व्हिच ए टोटल होल बॉडी इज मेड अप ऑफ, उसको हम पढ़े थे. नेक्स्ट इट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज द चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव मतलब कि वी कैन ऐड द चार्ज. अगर हम सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको अगर हमको फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. इंडिविजुअली एक एक चार्ज करके जितने भी चार्ज है इंडिविजुअल चार्जेस उनको अगर हम ऐड कर देते थे देन वी वर गेटिंग द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम और टोटल चार्ज इनसाइड द बॉडी है कि नहीं. नेक्स्ट हम लोग ये पढ़े थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पहले से हम ये समझते थे कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी यू कैन से ऑल्सो इज इक्वल टू द algebraic sorry is equal to an integral multiple of the charge of an electron. है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का जितने चार्ज है कि नहीं, उसके साथ अगर हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे जो फॉर्मूला आपका ये था q is equal to plus or minus ne है कि नहीं. That means q is the total charge and e is the charge of an electron and n is the number of electron है कि नहीं. तो टोटल एक बॉडी के अंदर अगर 10 तो चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना है उसके साथ अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज मिल जाता था टोटल चार्ज. दैट वाज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. एंड द लास्ट वन वाज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जस्ट सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज इज ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन और यू कैन से दैट द चार्ज ऑल्सो फॉलोज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल को भी चार्ज फॉलो करता है. जैसे कि उसका स्टेटमेंट ये था द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. एक सिस्टम में जितने भी चार्ज रहता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है. ठीक है, इसको पढ़े थे. और यू कैन से दैट द अदर स्टेटमेंट ऑफ दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड रादर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, रादर हम उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर पाएंगे. ठीक है, इस चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. ये जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. कूलम्स लॉ जो है हम पढ़ेंगे ये हमको किसके बारे में बताने जा रहे हैं, ये टॉपिक किसके रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो वो काम कर रहा है उसके बारे में हम इस स्टेटमेंट में बताया गया है. कूलम्स लॉ में उसके बारे में, उस फोर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है. इसको कौन बताया है, इन द ईयर ऑफ 1875 द साइंटिस्ट कूलम है कि नहीं, चार्ल्स अगस्टिन कूलम. ही सजेस्टेड दैट ही गेव द आइडिया ऑफ दिस फोर्स है कि इस फोर्स के बारे में वो आइडिया दिए थे. ठीक है, ये जो आइडिया दिए थे वो उन एक्सपेरिमेंट किए थे दोनों चार्ज्ड स्फीयर को लेके. ठीक है, और उनके बीच में वो कितना फोर्स लग रहा है उसको एक टर्सन बैलेंस लेके उसको मेजर किए थे. टर्सन बैलेंस क्या होता है, टर्सन बैलेंस इज अ डिवाइस व्हिच इज वेरी सेंसिटिव टू द फोर्स. टर्सन बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को भी मेजर कर सकता है कि उसी को लेके वो दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है उसको कूलम ने मेजर किए थे. चार्ल्स अगस्टिन कूलम, ठीक है, उसको मेजर कर दिए थे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद कूलम्स लॉ. एज इट इज अ लॉ इट हैज सम स्टेटमेंट, इट हैज अ स्टेटमेंट आल्सो. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ. स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इजी बहुत इजी है ये, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा.
देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग सकता है. द फोर्स में भी ए अट्रैक्टिव फोर्स और इट में भी ए रिपल्सिव फोर्स. व्हेन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, व्हेन द टू चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज, इन दैट सर्कमस्टेंस द फोर्स विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स. एंड इफ द चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस वी कैन से, इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस एट दैट टाइम the force between them will be the repulsive force or it we can call it as repulsion. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Two stationary, stationary मतलब क्या होता है? The charge should be at rest. Those two charges should be at rest. Rest में रहना चाहिए. And क्या है? Point charges. Point charges मतलब क्या होता है? हम किस charge को point charges कहेंगे? Point charges मतलब ये होता है, my dear students, the size of the two charges is very small, है कि नहीं? जो दोनों charge हम लेंगे, उनका size क्या रहेगा? बहुत छोटा रहेगा. किसके हिसाब से छोटा रहेगा? Suppose here I have taken a charge Q1 and here I have taken a charge Q2 and this is the distance between them. ये distance के हिसाब से वो charge का size क्या है? Negligible है. ये charge का जो size है ना, ये size उनके distance के हिसाब से अगर negligible माना जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तब जाके हम उस चार्ज को क्या कह पाएंगे? पॉइंट चार्ज. अदरवाइज हम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं कह पाएंगे. समझ में आया पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज उसी को कहेंगे जिस चार्ज का साइज क्या होना चाहिए, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के हिसाब से इस दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, है कि नहीं? उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे उनके साइज की रेडी, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है? तब जाकर हम उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है? ये पॉइंट चार्ज क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा. फिर से मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूं. सपोज यहाँ पे दो चार्ज रखा हुआ है. सपोज दिस इज योर चार्ज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज सपोज आर डिस्टेंस. दोनों चार्ज एक दूसरे से कितने दूर पे है? आर डिस्टेंस पे है, ठीक है? एंड फॉर कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इजी करने के लिए मैं दोनों चार्ज को क्या ले लिया हूं? सेम चार्ज ले लिया हूं, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है. अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. मैं यहाँ पे दोनों को सपोज पॉजिटिव मान लेता हूँ. सो द फोर्स ऑफ द फोर्स विल बी द रिपल्सिव फोर्स, ओके? तो वो जो फोर्स होगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ. क्यू वन पॉजिटिव चार्ज है, क्यू टू भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? क्यू वन इंटू क्यू टू. ये दोनों का प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. एंड अगेन इट इज रिटन दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ फोर्स क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आप लोगों को पता है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया आपका क्या रिलेशन. ये रिलेशन हमको अभी मिला है, ठीक है? अगर हम इससे एक इक्वेशन बनाना चाहेंगे, वी नीड द हेल्प ऑफ ए कांस्टेंट टर्म. सपोज आई हैव टेकन दैट कांस्टेंट एज k. इस कांस्टेंट को मैं क्या ले हूं? k ले हूं. k और यू कैन टेक इट एज b और बीटा आल्सो, है कि नहीं? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है? ये है आपका रिलेशन से इक्वेशन हमको मिला है, ठीक है? ये जो इक्वेशन आपको मिला है इसमें हमारा जो k है, k क्या है अपना यहां पे, इसको यहां लिख देता हूं. k क्या है? k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसको ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ये आपका क्या k है, ठीक है? ये k का भी और एक वैल्यू है. एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया है कि जो कांस्टेंट टर्म आपका k आया है, इट्स वैल्यू इज नथिंग बट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू कितना है? ये पे लिख लेता हूं उसको. इट्स वैल्यू विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर.
ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया किसका, कूलम्स लॉ का, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, ठीक है। इफ इट विल बी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q1 1 कूलम हो जाएगा Q2 1 कूलम हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम R विल बी इक्वल टू 1 मीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस R है वो भी कितना हो जाएगा 1 मीटर होगा। एट दैट टाइम द फोर्स विल बी Q1 1/4πε0 इंटू Q1 क्या होगा 1 × 1 डिवाइडेड बाई R भी कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सो योर फोर्स विल बी 1/4πε0, आपका फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 होगा इतना, ठीक है। तो आपका ये जो 1/4πε0 फोर्स है आपका, इसका एक वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इक्वल टू F इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और वी कैन से दैट K का जो वैल्यू है ना, लिए हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटली, हमको जो वैल्यू मिला है K का कितना मिला है 1/4πε0, सो K इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹, है कि नहीं। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है आपका K का वैल्यू, ठीक है। सो अगर हमको F इक्वल टू 1/4πε0 मिला है, तो F अपना क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन आपका कब आ रहा है, जब आपका चार्ज रहता है कितना, यूनिट चार्ज रहता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, है कि नहीं। हर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका रहेगा 1 कूलम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 1 मीटर, बट इन दैट पर्टिकुलर केस द फोर्स विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बट एक्चुअल फॉर्मूला आपका कूलम्स लॉ का जो है, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई हैव रिटेन हियर, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक चीज मैं आपको बताने जाऊंगा, बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग अभी एक फॉर्मूला मिला है कूलम फोर्स का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो मिला है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी हैव गॉट हियर, ठीक है। हियर द फोर्स, दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज कूलम्बियन फोर्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक है। एंड Q1 Q2 आर द चार्जेस, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड 1/4π कांस्टेंट है। और देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, है कि नहीं। परमिटिविटी वो होता है कि जो एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि अगर उस मीडियम में दो ठो चार्ज रहेंगे तो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, उसको कौन डिटरमिन करेगा, आपका एप्सिलॉन नॉट डिटरमिन करेगा, ठीक है। सो द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज के बारे में जो परमिटिविटी क्या है, आप इसको इतना बस याद रखिए, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी एक वैल्यू है, क्या है उसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर, नहीं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हम एक देखिए, यूनिट निकालने का तरीका भी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, इसका यूनिट क्या होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला ये है,
फॉर्मूला से हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पर रख लिया, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, फोर्स नीचे डिवाइड हो गया इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है कि नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, नीचे क्या है फोर्स है कि नहीं, ऊपर क्या है कूलम इंटू कूलम, क्या होगा ये कूलम हो जाएगा। तो ये होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, पर नीचे क्या है फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन है, नीचे और क्या है मीटर है, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्ट्रेस इट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्ट्रेस का यूनिट और उसका वैल्यू, ठीक है। यही है उसका वैल्यू जिसको हम पढ़ लिए अभी, कूलम्स लॉ को हम जान गए कि कूलम्स लॉ क्या है और कहां पे उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू पॉइंट्स, जब हम उसका डिमेरिट्स बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं, ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के, उसके बारे में डिटेल इसी लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे। सो नाउ वी विल हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस कूलम्ब फोर्स, जो कूलम फोर्स है इस फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, उसका डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल जाएगा। सो लेट अस गो फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ हम लोगों का क्या होगा, ठीक है। So, देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई हैव टेकन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा दिस टू चार्जेस आई हैव टेकन एज सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब कि बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। आप इसको एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव भी कर सकते हो, जब आप एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव करोगे एट दैट टाइम देयर फोर्स विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, है कि नहीं। बट यहाँ पे मैं दोनों को सेम चार्ज ले लिया हूँ सो दैट द फोर्स विल बी ए रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी दैट द फोर्स इज F12 मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन Q1, Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, बाई Q2, मतलब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड दैट दीज टू चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस, दैट्स व्हाई द फोर्स बिटवीन देम विल बी द रिपल्सिव फोर्स, इफ द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि Q2 फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो रिपेल करेगा तो उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। So the direction of the F12 will be like this. This is F12. Iska direction ye hai. So again F21 is the force on Q2 by Q1. Q2 ke upar force lagega. Kaun lagayega uske upar force? Q1 uske upar force apply karega. Agar force apply karega to uska direction kahan pe hoga? Again it is the similar charges, that's why the force will be repulsive force, that means Q1 will repel charge Q2, उसको भी repel करेगा, तो इस direction में repel करेगा, है कि नहीं, this will be the direction of F21, ठीक है, F12 opposite direction में है, और F2 भी उसके opposite direction में, ये एक direction था, उसका opposite direction में दूसरा force है, ठीक है, so now let us calculate the values of these forces, ठीक है, इस force के value को हम calculate करते हैं। So now F12 कितना हो जाएगा रे, हम ये जानते हैं फॉर्मूला है फ्रॉम कूलम्स लॉ, 1/4 pi epsilon naught इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमको जरूरत है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन विल 1 2 का डायरेक्शन कहां पे है, फोर्स 1 2 का डायरेक्शन कहां से कहां तरफ, कहां तक है, 2 से 1 की तरफ है, या फिर यू कैन से Q2 से Q1 की तरफ, किस कौन सी फोर्स है, F12 है कि नहीं, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा R21, ये जो R लिया हमने
R21 इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है कि इट हैज सम डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. है कि नहीं? हम यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया, दैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. समझ में आ रहा है? सपोज मेरा दोनों चार्ज के बीच में फोर्स हो रहा है सपोज 10 न्यूटन. कितना है? 10 न्यूटन. अगर उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या है, फोर्स मेरा वही 10 न्यूटन रहेगा, बस मेरे को इस फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां तक है? Q2 से Q1 की तरफ है. इसीलिए Q2 और Q1 के बीच को डिस्टेंस है जो R है, ये इसी R को मैं क्या ले लिया हूं, R21. इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस है आपका ये 2 से 1 की तरफ हम ले रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा. ये R1 उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. और ये जो R2 का जो कैप लिया हमने, आप तो पढ़े होंगे मोसोनी ने प्लेयर में क्लास 11 में पढ़े होंगे कि एक यूनिट वेक्टर का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. R21 का कैप जो है यूनिट वेक्टर, इट इज नथिंग बट सिंपली R21 डिवाइडेड बाय R, है कि नहीं? R21 वेक्टर रहेगा यहाँ पे, है कि नहीं? और ये हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड. इसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर देते हैं, है ना? अच्छा, R21 का डायरेक्शन आपको समझ में आया ना? Q2 से Q1 की तरफ फोर्स की डायरेक्शन रहेगा और उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इसीलिए मैं उसको R21 लिख दिया वहां पे. ठीक है, 2 से 1 के डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट आई विल हैव टू कैलकुलेट F21. F21 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इट विल बी 1/4πε0 into Q2 डिवाइडेड बाय R2, है कि नहीं? तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन कहां से पता चलेगा? F21 का डायरेक्शन कहां से कहां तक? दिस इज द F21 एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q2. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, सो इट विल बी R12. ओके, उसका कैप हो जाएगा. ठीक है, मार्क इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बट यहां पे देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड सब सेम है, है कि नहीं? बस आपका डायरेक्शन अलग अलग है. एक फोर्स जो F12 फोर्स है, इट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1 एंड द फोर्स F21 इट इज बीइंग एक्टिंग अलोंग ए डायरेक्शन फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज. है कि नहीं? एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स आपका उस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स है. ठीक है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. है कि नहीं? क्योंकि यूनिट फैक्टर को अगर हम हटा दें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2. ठीक है, यहां पे आप R21 का स्क्वायर भी कर सकते हो, है कि R21 का मैग्नीट्यूड अगर ले तो कोई R ही आएगा. ठीक है ना, बस यहां पे 21 उसको डायरेक्शन के लिए लिया गया है. क्लियर? इसीलिए मैं उसको R रख दिया हूं. ठीक है, बट यहां पे यू कैन सी दैट बट R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12. है कि नहीं? ये जो R21 जो वेक्टर है, R21 का डायरेक्शन कहां से कहां तक है? 2 से लेके 1 तक है. बट R12 का डायरेक्शन क्या है? 1 से लेके 2 तक है. है कि नहीं? एक का डायरेक्शन जहां पे है, दूसरे का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है. दैट्स व्हाई आई कैन राइट राइट एज R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर. है कि नहीं? क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, अगर ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये दोनों फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, सो आई कैन राइट एज, मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, सो F12 इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21. है कि नहीं? दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, इसका डायरेक्शन एक तरफ है और इसका डायरेक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया. जब ऑपोजिट हो गया अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका नेगेटिव हो जाएगा. इस तरह आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझ में आया ना? अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं तो उससे हम लोगों को फायदा क्या हुआ है? है कि नहीं? इसमें से हमको यह पता चला कि द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस. है कि नहीं? ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है दैट मे बी एन अट्रैक्टिव फोर्स
और दैट मे बी ए रिपल्सिव फोर्स, है कि नहीं? अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इट इज द थिंग दैट द फोर्स विल एक्ट अलोंग ए लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस, है कि नहीं? और यू कैन से दैट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, वो उसी लाइन के ऊपर रहेगा फोर्स, जो लाइन क्या कर रहा है कि दोनों चार्ज को सेंटर को जोड़ रहा है. That's why the Coulomb force is also known as the Coulombian force or the electrostatic force is also known as the central force. इसके चलते हम लोग क्या कह रहे हैं कि Coulomb's force को भी central force के नाम से जाना जाता है, उसको central force भी कहा जाता है. Because this force is being acted along the line joining the center of the two charges. दोनों चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पे दोनों फोर्स काम करेंगे, ठीक है? वो फोर्स काम करेगा. That's why Coulomb force is also known as a central force. Another thing, both the forces F12 as well as F21, they are equal in magnitude. दोनों का magnitude क्या है? Same है, but their direction is opposite. है कि नहीं? If I will say that this one is the action force and this is the reaction force, है कि नहीं? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. अगर एक एक्शन फोर्स हो गया तो दूसरा हो गया आपका रिएक्शन फोर्स, है कि नहीं? तो इससे हम लोगों को यह भी पता चल रहा है कि द कूलम्स लॉ, है कि नहीं, इट ऑल्सो फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है कि नहीं? कूलम्बियन फोर्स क्या करता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है. समझ में आया? ये दो कंक्लूजन हमको मिला जब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज में बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं दोनों चार्ज दिया था, मैं आपको क्या बोला था, आई हैव टेकन दिस टू चार्जेस एज सिमिलर चार्जेस, है कि नहीं? दैट मींस लाइक चार्जेस. अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा ये भी मेरा नेगेटिव है. मैं ही बोला था आप लोगों को, दैट्स व्हाई द फोर्सेस वर रिपल्सिव फोर्स. अगर मान लीजिए कि मैं एक चार्ज को पॉजिटिव लिया हूं, दूसरे को नेगेटिव ले लिया, सो व्हाट विल बी द डायग्राम, आपका डायग्राम क्या हो जाएगा ये देख लीजिए. बाकी चीज आपका उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? क्या होगा आपका फोर्स, ये होगा आपका Q1, ये आपका Q2, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वही मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्स अगर होगा तो क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑन Q1, FQ1 कितना हो जाएगा, F12 कितना हो जाएगा, जो कि हम बोले हैं कि F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएगा, 2 अगर 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, किस प्रकार का फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F12 जो पहले इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन, है कि नहीं? सिमिलरली F21 ऑल्सो विल बी इन दिस डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें 1-2 की जगह 2-1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? सो नाउ लेट अस डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. हियर इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ का क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है. द फर्स्ट वन इज द इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज एट रेस्ट. जब ये कूलम्स लॉ हम तब अप्लाई कर पाएंगे दोनों चार्ज के ऊपर, जब दोनों चार्ज कैसे रहना चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए. अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे है, देन वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू बाय अप्लाइंग द कूलम्स लॉ. इफ द टू चार्जेस आर इन मोशन, देन वी कैन नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ. वहां पे कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? द सेकंड वन इज इट इज एप्लीकेबल व्हेन द चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस. It is also another drawback of Coulomb's law, that is Coulomb's law will be applicable only when the two charges are point charges. Second, दोनों charge अगर point charge होंगे, that means their size will be very small as compared to the distance between them. वो दोनों के बीच में जो distance है, वो दोनों के distance के बीच में क्या होना चाहिए? तो distance के हिसाब से दोनों का size क्या होना चाहिए? Negligible होना चाहिए. तब जाके इसको हम point charge कहेंगे और उसी condition में हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे. अगर साइज बड़ा हो जाएगा चार्ज का तो भी हम वहां पे कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज द लास्ट वन, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस शुड बी मोर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस. और ये भी एक कंडीशन है कि हम तब कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको हम आर लेते थे, दैट आर शुड बी ग्रेटर देन द
साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज हमारा कितना रहता है 10^-15 मीटर, और ये आर जो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस आर है दैट आर शुड बी मोर देन 10^-15 मीटर है कि नहीं। उससे अगर ये छोटा हो गया तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? जो फोर्स है उस फोर्स को हम मेजर नहीं कर पाएंगे बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम वहां पे यूज ही नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है कि नहीं। इतने से बड़ा होगा डिस्टेंस तब जाके हम उसको मेजर कर पाएंगे फोर्स, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्या कूलम्स लॉ के बारे में आज हम इस पर डिस्कशन किए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, पसंद लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देन आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स न्यूज रिगार्डिंग माय चैनल, है कि नहीं। और नया नया वीडियो जो अपलोड होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।